हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के बारे में, जिसके पहले इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार कवर किया है कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा। तो जुपिटर वैगन्स लिमिटेड को आप ज़रूर कंसिडर कीजिए टू ऐड इन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। करीब करीब 7,000 करोड़ का ऑर्डर इनके पास पेंडिंग है और कंपनी जल्दी ही इलेक्ट्रिक ट्रक्स लॉन्च करने वाली है, मिनी ट्रक्स, जो कि हो सकता है कुछ दिनों में हमें खबर मिल जाए। तो इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाने के कारण भी शेयर में तेजी आ सकती है। और इसी बीच इसमें बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको 473 करोड़ की ऑर्डर मिली थी, 473 करोड़ की ऑर्डर, जो कि करीब करीब 700 बोगी की इनको ऑर्डर मिली है ओपन मिलिट्री वैगन्स की। मतलब देखिए, जैसे जो वैगन्स होती है स्पेशल मिलिट्री की, वो स्पेशल होती है जो ओपन होती है, जिसमें जैसे टैंक्स, ट्रक्स या जो कैनन्स होते हैं, तोहफे जो होती है वो सब रेलवे के जो स्पेशल जो इनकी ट्रेन्स होती है मिनिस्ट्री की, डिफेंस मिनिस्ट्री की या डिफेंस डिपार्टमेंट की, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो वो स्पेशल मिलिट्री वैगन्स की ऑर्डर जुपिटर वैगन को मिली है। तो ये 473 करोड़ की ऑर्डर है, ये काफ़ी बड़ी ऑर्डर मिली है कंपनी को। और इसी के लिए आपने देखा होगा पिछले दो दिन से जुपिटर वैगन का शेयर काफ़ी तेजी में है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो इस पर आप नज़र बना के रख सकते हो और बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से ऐड कर सकते हो। कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी अच्छे आने की उम्मीद है, तो रिजल्ट आने के बाद और भी तेज़ी शेयर दिखा सकता है। कंपनी के फ्राइडे के रेट की बात करें तो यह है 343 रुपीज़ का इसका रेट था, जबकि 52 वीक हाई था 412 रुपीज़। पी है 60 का और ईपीएस है 6 का। डेट टू इक्विटी रेशो है 0.35। कंपनी पे डेट भी काफ़ी कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है, 70% है। एफआईआई का होल्डिंग भी अच्छा है, 2.40%, और डीआई का होल्डिंग भी 2.20% है। कंपनी के पास 7,000 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग है। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी अच्छा आने की उम्मीद है। तो जुपिटर वैगन को आप एक फ्यूचर मल्टीबैगर के हिसाब से हर गिरावट में थोड़े थोड़े बाय करके चल सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।